तो Realme C35 यूजर आप लोगों के लिए फाइनली Realme ने रिलीज कर दिया है Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट और फर्स्ट ट्रायल अपडेट। मुझे बताया बहुत से लोगों ने अप्लाई करा है, बहुत से लोगों ने लेट अप्लाई करा है। लेट अप्लाई नहीं करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीट लिमिटेड है, बहुत कम लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंडिया में आपको सिर्फ 1000 पीपल को जो अपडेट देखने को मिलेगा, आप समझ सकते हो। मतलब ये जो लिमिटेड सीट है यहाँ पे आपको कंपटीशन कितना ज़्यादा है। बहुत से लोगों ने C35 को खरीदा है और बहुत से लोगों ने अप्लाई कराया है, सिर्फ हमारे चैनल पे ही बहुत से लोगों ने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को जो है अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब जाके देखने को मिलेगा? अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलता तो कब जाके आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का Realme C35 के अंदर? सब कुछ आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा, टोटल इन्फॉर्मेशन कि कब जाके सभी लोगों के लिए पब्लिकली Realme C35 के अंदर Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो रिलीज होगा, कब जाके देखने को मिलेगा और ये जो अपडेट है कब जाके अप्रूवल मिलेगा आप सभी लोगों को, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इस तरह अपडेट को भी इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रखना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये रहा Realme C35 के अंदर Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट, जो एक ट्रायल अपडेट है Galaxy फेस पे। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपने अप्लाई करा है तभी जाके आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में हमने टोटल अपडेट प्रोसेस के बारे में बताया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए होता है, 24 आवर्स के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तभी जाके आपको देखने को मिलेगा और सिर्फ 1000 पीपल को ही जो है अपडेट देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ 1000 पीपल को ही अपडेट देखने को मिलेगा Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का Realme C35 के अंदर। और ये जो अपडेट है अभी ट्रायल अपडेट है, इसलिए सिर्फ 1000 पीपल को देखने को मिलेगा। अगर आपके पास Realme C35 है और अगर आपके पास C.26 अपडेट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको अपडेट देखने को मिल सकता है Realme C35 के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कब जाके आपको जो है Realme C35 के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अलग होता है। Realme C35 के अंदर आपको जो अपडेट है वो आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, जैसे कि बाकी डिवाइस के साथ होता है। जैसे हमने अप्लाई कर दिया Galaxy के लिए और हमें 24 आवर्स के अंदर अपडेट देखने को मिल जाता है, वैसा नहीं होने वाला है C35 के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे लाइटर डिवाइस चलता है और इसका जो अपडेट क्राइटेरिया है, अपडेट प्रोसेस है, वो टोटली अलग है, हर डिवाइस से अलग होता है। जैसे कि C33 के अंदर हुआ, हमने अप्लाई करा उसके 5 डेज़ बाद अपडेट देखने को मिला है बहुत से यूज़र को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है, अप्लाई करिए उसके बाद आपको 5 डेज़ या फिर 10 डेज़ यहाँ पे टाइम ले सकता है, उसके बाद जो है आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और सभी यूज़र को जो है अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 1000 पीपल को ही अपडेट देखने को मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ मैं, सभी यूज़र को जो है अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक Galaxy अपडेट है, फर्स्ट फेज है ट्रायल अपडेट का, ठीक है। और यहाँ पर Realme ने कोई डेट मेंशन नहीं करा कि कब जाके आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो Realme में भी 10 डेज़ टाइम लेता है या फिर 5 to 10 डेज़ आपको टाइम लेता है, उसके बाद रिलीज़ कर देता है अपडेट। थोड़ा सा फॉर्म को चेक करता है, उसके बाद जो है अपडेट रिलीज़ करता है वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करें अगर आपने अप्लाई नहीं करा Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट के लिए तो क्या आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपने अप्लाई कराया है और फिर भी आप लकी ना हो, अनलकी हो, आपको अपडेट देखने को ना मिला, तो क्या आपको कभी Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा Realme C35 का? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी यूज़र को जो है अपडेट देखने को मिलेगा। आपको तब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद बीटा अपडेट रिलीज़ होगा, उसके बाद जाके स्टेबल अपडेट रिलीज़ होगा। मतलब स्टेबल अपडेट जो है मे बी अगस्त मंथ तक रिलीज़ हो जाए और तभी जाके सभी यूज़र को जो है पब्लिकली Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा Realme C35 के अंदर, ठीक है। और ये जो डेट है मे बी अगस्त मंथ के मिड ऑफ अगस्त 2023 तक आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाए Realme C35 के अंदर, वो भी Realme Y 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट, ठीक है। और सभी न्यूज़ तो आपको चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और अगर आपको इस अपडेट के बाद कुछ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मतलब हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रायल अपडेट है यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगा ही, ट्रायल अपडेट के साथ सभी डिवाइस में प्रॉब्लम होता है, इसमें भी होगा, मे भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले। और अगर आप चाहते हो कि मैं डाउनग्रेड करना चाहूँ या फिर रोल बैक करना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है 4.0 पे, आप इस एडिशन पे रोल बैक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। रियलमी कम्युनिटी पे आपको इसका जो रोल बैक पैकेज है वो टोटल मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करने के बाद आप मैनुअली रोल बैक कर सकते हो एंड्रॉइड 12 पे, ठीक है। इसका टोटल प्रोसेस भी रियलमी कम्युनिटी पे, अगर आप चाहते हो कि कैसे रोल बैक करना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों ये था Realme का टोटल प्रोसेस Realme 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 अपडेट का, जहाँ पे हमने बात करी कि कब जाके रिलीज हुआ है अपडेट, कैसे आपको देखने को मिलेगा, या फिर कब जाके स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, कब जाके ये अपडेट रिलीज होगा, कितने लोग अप्रूवल देखने को मिल सकता है या फिर कैसे अप्रूवल मिलता है, सब कुछ मैंने इसके ऊपर बताया आज के वीडियो में। साथ साथ
हमने आपको ये भी बता दिया कि रोल बैक कैसे करना है, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। तो मैं मिलता हूँ के साथ एक और वीडियो के साथ बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।